और जिसके जिसके नाम पे कंप्लेंट होना था वो कंप्लेंट भी नहीं हुई, क्या लगता है कि दबाव के कारण ये सब? जितना मैं कानून को जानती हूँ, जितना मुझे लीगल प्रोसेस पता है, जब FIR फटता है तो वो ऐसे वापस नहीं लिया जा सकता, उसको आपको कोर्ट में प्रोसीड करना ही पड़ता है। लेकिन जिस तरह की एक एक बयानबाजी BJP की ओर से आ रही है और कहा जा रहा है कि जो फरियादी पक्ष का है उसने अपनी जो भी फरियाद है वह वापस ली है, इसका अर्थ यह है कि बहुत ज़्यादा एक एक दबाव तंत्र का जो इस्तेमाल है वो इस सारे इशू में किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। चंद्रशेखर बावनकुले बोलने को तो बोल रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच निरपेक्ष हो, लेकिन मामले की जांच निरपेक्ष कैसे हो सकती है कि आपको FIR कर्ता को FIR वापस लेने के लिए आप मजबूर करते हैं? क्या ऐसी मजबूरी है कि उसने FIR वापस ली? अगर वो FIR बिल्कुल 36 घंटे के अंदर अंदर वापस लेता है तो वह रात भर जागकर 12:30 की जो वाकया है उसके लिए वह 4:30 तक जागता है और FIR करता है। क्यों वह ऐसे करे? क्या प्रेस क्लब से जुड़ा कोई है? क्या प्रेस क्लब में काम करते थे ना जीतू भाई? इतना तो हम भी जानते हैं भैया, हम भी आप सभी के बहुत अच्छे आपसे मेलजोल बनाए हुए हैं। कौन है वो कि जो जीतू सोनकांबले पर इतना दबाव बने आए हैं कि जीतू सोनकांबले ने कल से किसी भी तरह से मीडिया के सामने आने की तक वह कोशिश नहीं करते हैं या उन्हें लाने की कोशिश नहीं की गई? अगर इतनी ही बात है तो हम आप सभी मीडिया से भी पूछना चाहेंगे कि रविवार की रात को जब यह पूरा वाकया हुआ तो सोमवार तक क्या कहीं न्यूज़ चली थी? किसी बड़े अखबारों में चली थी? कहाँ पर न्यूज़ थी? यह मामला दबाने की कोशिश पूरी तरह से पुलिस प्रशासन, RTO और सभी ने की, और ज़्यादा से ज़्यादा यह कोशिश की कि यह मामला प्रेस तक ना पहुँचे। लेकिन प्रेस क्लब का ही कर्मचारी जीतू सोनकांबले था जिसने FIR की थी, जो मामला यह बाहर निकल आया। बोलिए, विकास ठाकरे ये इस मामले को दबा रहे की कोशिश कर रहे, ऐसा लग रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता। और देखिए, किसी के दबाने से मामला दबता नहीं है। और मुझे यह भी पता है, इतना तो मैं भी अभी जानती हूँ कि रैश ड्राइविंग एंड निग्लिजेंस का, हिट एंड रन का जो भी मामला है, संकेत बावनकुले इतने बड़े पिता की संतान है कि वह मामला रफा दफा 2 दिन में कर देंगे। कुछ लोगों की तो जमानत भी हो गई। लेकिन बात यह है कि क्या कानून नाम की और कानून चलाने वाले लोगों में गैरत नाम की कोई चीज़ है कि नहीं? और उन्होंने FIR में कार के डिटेल्स क्यों नहीं लिए? वह कार के डिटेल्स बाद में भी ले सकते थे। जिस मामले की चार्जशीट तक अभी तक कोर्ट में नहीं चली गई है, उसकी FIR वापस कैसे ली जा सकती है? तो यह सारा जो माहौल बनाने की कोशिश है, और ऊपर से होम मिनिस्टर साहब फडणवीस साहब कह रहे हैं कि अरे इस मामले में आप राजनीति मत कीजिए, आप हमें सिखाएंगे राजनीति की बातें? फडणवीस साहब, आए दिन छोटी छोटी बातों पर राजनीति करने वाले आप, पूजा चव्हाण जैसी एक एक मासूम बच्ची का राजनीति के लिए इस्तेमाल करने वाले आप लोग, आपने जिंदा लोग तो जिंदा लोग, आपने हम में से गए हुए महापुरुषों तक को तक नहीं छोड़ा है। कल ही की बात है कि आप तिलक और फुले किन्होंने शिव स्मारक ढूंढ कर निकाला, इस पर राजनीति कर रहे हो और आप हमें राजनीति की बातें सुनाते हो। असल बात यह है फडणवीस साहब कि बतौर होम मिनिस्टर आप पूरी तरह से नाकामयाब है। 10 सालों में से पिछले 7.5 साल का टेन्योर आप एज ए होम मिनिस्टर थे, लेकिन आप ही के कार्यकाल में यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की पूरी धज्जियाँ उड़ी हुई। मैडम, नागपुरा मुझे एक सुराग है, उन सबूतों से छेड़छाड़ करना कैसा है? और हम बार बार कहे जा रहे हैं कि BJP के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले साहब जितना अपना सोबर और डिसेंट एक एक सूरत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वह वैसी नहीं है। बावनकुले साहब कितना भी कहे कि निष्पक्ष जांच हो, किंतु निष्पक्ष जांच कैसे हो भला, अगर वहाँ पर नंबर प्लेट बदली जाती है, गाड़ी पहले नकारी जाती है, FIR में नाम नहीं आता है? तो ये सारा जो है
ये पावर गेम है, सत्ता और पैसा, इन दोनों चीज़ों को लेकर बीजेपी अपनी मनमानी किए जा रही है। हमें पता है, जैसा कि अभी इन भाई ने पूछा कि आपको क्या लगता है कि क्या सज़ा होनी चाहिए, अरे भाई उसे सज़ा होगी ही नहीं, हम बोल रहे हैं कि उसे सज़ा होगी ही नहीं और उसका नाम उसे सज़ा होगी नहीं और उसका नाम FIR में आएगा भी नहीं। बीजेपी इतनी पुख्ता तरीके से उसका प्रोटेक्शन करेगी, हम बार बार बोले जाएंगे और वो उसकी FIR नहीं बनाएंगे। उसकी FIR बनाने के लिए बड़ा निष्पक्ष सरकार चाहिए, जो कि आज की तारीख में महाराष्ट्र में है नहीं। मैडम, फिर यदि तकरार वापस